यूपी के हाथरस में आयोजित होने वाले संगीत सम्मेलन को लेकर की गई प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में सम्मेलन के संयोजक अनुराग अग्निहोत्री एवं सह संयोजक अजीत शर्मा द्वारा पत्रकारों को कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। साथ ही बताया गया कि इस कार्यक्रम में पहली बार कवित्री गायक एक्टर एवं कॉमेडियन कलाकार का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में रखी गई? ये अपने 111वें मेला के भव्य समापन समारोह पे जो हमेशा की तरह संगीत सम्मेलन होता है, जिसमें जिले के हर गांव से युवाओं में और सब आजकल की जितनी नौजवान पीढ़ी है संगीत सम्मेलन का उसमें जोश रहता है। इस बार हमारी संगीत सम्मेलन की टीम ने ये भी तय किया है कि इस बार संगीत सम्मेलन में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका मिक्सर हम इस संगीत सम्मेलन के माध्यम से एक नई लकीर खींच रहे हैं, जिसमें आपको लाफ्टर भी होगा, वहाँ पे पंजाबी की भूमिका भी होगी, आपको वहाँ पर कवि की भूमिका भी होगी, जिसमें मुख्य रूप से जो जिप्सी सॉन्ग से फेमस हुई है कबूतर गाना जिनका फेमस है, ऐसी प्रांजल दहिया उसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उस कार्यक्रम का संचालन आज तक दाऊजी मेले के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि देश की जानी मानी कवित्री अनामिका जैन अंबर उस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। इतनी बड़ी कवित्री जो मुख्य कवि सम्मेलन के लिए मुख्य चेहरा होती है वो कार्यक्रम का संचालन करेंगी। उनके साथ में राजू पंजाबी जो देसी देसी ना बोलाकर जो गाना से फेमस हुए, ऐसे राजू पंजाबी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसमें लाफ्टर के लिए भी भूमिका की गई है, उसमें राजन श्रीवास्तव द्वारा लाफ्टर की परफॉर्मेंस की जाएगी। MJ5 एक डांस ग्रुप है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ बहुत अच्छी रहती है, MJ5 डांस ग्रुप वहाँ प्रस्तुति देगा और कार्यक्रम पारिवारिक रूप से होगा। कार्यक्रम में आपको देखने मिलेगा कुछ बुजुर्ग, कुछ समाज के प्रतिष्ठित लोग, जो अनामिका जैन अंबर के नाम से कोई आना चाहता है, कोई प्रांजल दहिया के नाम से आना चाहता है, इन लोगों को पहली बार आज तक कभी दाऊजी मेले में ये लोग नहीं आए हैं, इन लोगों को हम लोग लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी समिति आदरणीय नागिन पाठक जी भाई साहब, आदरणीय अजीत भैया जी, विपुल गौड़ जी, सीलू भैया और ये पीछे हमारे निष्कर्ष जी और सौरभ भाई हमारा, ये सब लोग मिलकर ने देखा खाटू श्याम महोत्सव में कन्हैया मित्तल पे पब्लिक झूमी, ऐसे ही होगा। और एक विशेष कार्य इसमें हमारे पुलिस कप्तान साहब का सहयोग रहा है कि हमेशा से संगीत सम्मेलन में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की सुरक्षा भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, इस बार कप्तान साहब ड्रोन कैमरे से उस पूरे कार्यक्रम की निगरानी कराएंगे। सब लोग अपने आप को सुरक्षित समझकर कार्यक्रम में बैठे, प्रशासन का पूरा सहयोग उस कार्यक्रम में कप्तान साहब की मौजूदगी में रहेगा। आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं और यहाँ आके आपको लगेगा कि हाँ एक ऐसा सांस्कृतिक महोत्सव है जिसमें गणेश वंदना से लेके जिस तरह की कल्पना हम कर सकते हैं एक सांस्कृतिक महोत्सव में, वो सब आयोजन हम उसमें कराएंगे। देशभक्ति की परफॉर्मेंस भी आपको संगीत सम्मेलन में देखने मिलेगी और हमारे कार्यक्रम का इसका उद्घाटन हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और MLC माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी द्वारा किया जाएगा, शेष जानकारी जो है। और इसमें एक इस बार हमने एक जनता के लिए, हाथरस की जनता के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्या है कि अधिकांश संगीत सम्मेलन के लिए पास के लिए बहुत मारामारी होती है और संगीत सम्मेलन एक ऐसा दाऊजी मेले का कार्यक्रम है कि जिले का ऐसा कोई गांव नहीं होता जहां से 10-20 युवा वर्ग नहीं आता, उनमें बड़ा उत्साह होता है संगीत सम्मेलन देखने का और पास की वजह से वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो खासकर जो देहात क्षेत्र के गांव के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मेरी एक अपील है कि आप लोगों के लिए इस बार हमारी समिति द्वारा जो अतिथि की बैरिगेटिंग है आगे, जो 30-40 लोगों के बैठने का एरिया होता है, उसके बाद से जितना भी प्रांगण है 10-15-20 हजार लोगों के बैठने का जितना भी स्थान है, उसके लिए कोई पास का आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे आइए, समय से आइए और अपने यथावत स्थान सुनिश्चित करके बैठिए, आपको बहुत अच्छा कार्यक्रम लगेगा। तो आपसे केवल इतना अनुरोध है कि आप किसी के पास मांगने की बजाय आप समय से पहुंचे, आप जाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। पहली दीर्घा छोड़ के अतिथि की, पूरा कार्यक्रम आपका जनता का कार्यक्रम है। हमारी समिति का निर्णय ये हुआ कि जनता का कार्यक्रम जनता को समर्पित, क्योंकि वो लोग पहले पास मांगते हैं फिर उनको बार बार आना पड़ता है, तो जनता की भावनाओं का हमने इस कार्यक्रम में सम्मान रखा। कितने समय स्टार्ट हुआ कार्यक्रम? 8:30 बजे के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि 8:30 बजे के बाद हम गणेश वंदना के माध्यम से 9 बजे तक पूरा प्रोग्राम शुरू कर देंगे।